एकता कपूर का नागिन 3 पिछले कई दिनों से खूब चर्चा में है। दरअसल हाल ही में शो से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आईं। पहली खबर ये कि ये शो आईपीएल के बाद बंद होगा और दूसरी खबर ये है कि शो में जल्द नागिन रूही की एंट्री होगी, जो कहानी का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगी। फिर इस खबर के सामने आने के बाद से फैंस फिलहाल करिश्मा की ही एंट्री के इंतजार में बैठ गए हैं कि आखिर कब तक शो में फैंस को झटका देने आएगी नागिन रूही। लेकिन शो में नागिन रूही की एंट्री हो, उससे पहले मेकर्स ने एक भयंकर ट्विस्ट की प्लानिंग की है। दरअसल ट्विस्ट ये है कि शो में जल्द माहिर के हमशक्ल की एंट्री होगी, जो शो का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट माना जा रहा है। जी हाँ, दरअसल शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि माहिर की मौत हो गई है। वही बेला अब माहिर के गम में है। उधर सुमित्रा खुद को जीता हुआ महसूस कर रही है। दिखाया गया कि जिस बंगले में माहिर है उसमें सुमित्रा ने आग लगा दी। वहीं बेला को भी कुछ अनजान लोगों ने दीवार में चुनवा दिया। मगर शो में ट्विस्ट तब आ गया जब एक अनजान शख्स ने बेला की जान बचा ली। अब कहा जा रहा है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि माहिर का ही हमशक्ल है, जो कहानी को आगे काफी दमदार बनाएगा। दरअसल खबरों की माने तो शो को बंद होने से पहले मेकर्स कई मिस्टीरियस ट्विस्ट लाने की प्लानिंग कर रहे हैं और माहिर के हमशक्ल का ये ट्विस्ट भी उन्हीं में से एक है। ऐसे में आप देखेंगे कि जहां बेला माहिर को मरा हुआ मान चुकी होगी, तो वहीं उसे उस वक्त झटका लगेगा जब माहिर जैसा दिखने वाला ये शख्स उसके सामने आएगा। अब ये शख्स असल में माहिर होगा या उसका हमशक्ल, ये तो शो के अगले एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि माहिर के मरने या फिर उसके जिंदा होने पर अभी तक शो में कुछ साफ साफ तो नहीं दिखाया गया है। अब कहा जा रहा है कि ये शख्स बेला के साथ मिलकर उसके बदले में साथ देगा और एक काफी ताकतवर इंसान होगा जो सुमित्रा और उसकी गैंग का खात्मा करेगा। तो देखते हैं कि माहिर का यह हमशक्ल कब तक हमें शो में देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद शो की कहानी में क्या क्या मजा आएगा।